हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 65% या 60% वो वाली यूथ है जो कि तकरीबन जो है वो 30 ईयर्स की एज से कम है। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश है, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ, मेरा स्टूडेंट के साथ बड़ा क्लोज लिंक है, मैंने जितना टैलेंट अपनी यूथ के अंदर देखा है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो मुझे इसके अंदर मतलब मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, भी मैं समझ लूँ कि इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड करवा रहा हूँ कि इन नौजवानों को, या जो आजकल हमारा लॉकडाउन के बाद अब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक खुलने वाली हैं, तो जाहिर है इन बच्चों को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हम जरूर दें मोहल्ले के लेवल के ऊपर, उससे बड़ी कम्युनिटी को आप कह लें। मेरा मकसद कहने का ये है कि हमारे मुखय्यर हजरात, ये मैं अपनी किसी पहली वीडियो में भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, कि वो हॉस्पिटल बनाते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर यूनियन काउंसिल, मेरा तो ये मशवरा है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर कोई ना कोई ऐसा, जो रिक्रिएशन तो नहीं मैं बोलता लेकिन उसे मैं यूं कहूँगा कि ऐसा जिम बना दिया जाए जहाँ बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, बास्केटबॉल हो या स्क्वाश के कोर्ट्स हों। अगर हमारी यूथ इस काम के अंदर लग जाए, यकीन जाने कि वो फिज़िकली फ़िट होगी, और मेरा 100% यकीन है कि हमारे हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 30% जो है वो उनके अंदर ऑक्यूपेंसी जो है वो कम हो जाएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जब सेहतमंद जिस्म होगा तो ज़ाहिर बीमारियाँ उनको नहीं लगेंगी। तो मेरी अपने अरबाब इख्तियार से तमास आप कह लें कि वो हर कंस्टिट्यूएंसी, जैसे लाहौर का मुझे पता है 16 कंस्टिट्यूएंसी हैं यूनियन काउंसिल की, तो वहाँ पर छोटे छोटे लेवल के ऊपर ऐसे आप बना देंगे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, इवन बुज़ुर्ग, वहाँ पर एक लाइब्रेरी बना दी जाए, इनडोर गेम्स का भी इंतखाब थोड़ा बहुत कोई सेक्शन उसमें कर लिया जिसमें चेस हो जाए, कैरम बोर्ड हो जाए, ऐसे रिलेटेड और बहुत सारी आप गेम्स कर सकते हैं। अगर हम इनको वहाँ पर इन्वॉल्व कर देंगे तो ये जो मोबाइल का बुखार लोगों को चढ़ा हुआ है, इससे यकीन जाने कि इनके दिमाग जो हैं वो सोचने समझने की सलाहियत से मफकूद होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, खुदा रहा फिज़िकल एक्टिविटी में। तो मेरी आपसे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो यकीन करें कि ये वाला अगर आप कर देंगे तो ये इतना बड़ा ये सदका जारी है हमारी इस यूथ के लिए, क्योंकि ये जब अपने उस टैलेंट को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी बात है ये एशियाई गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर कोई ना कोई मेडल लेकर आएंगे। मैं तो कभी कभी अक्सर ये बात कहता हूँ, मोटरसाइकिलों की रेस होती है, हमारे किसी नौजवान चीते को अगर इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए तो ये किसी को करीब ना आने दे। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर ये वाली बात कहीं पर हो जाए और हर इलाके के अंदर, अगर मिनिमम ना सही तो इसको ग्रेजुअल आप कर लें कि हर साल हम 10 या 12 हर सूबे के लिहाज से उसके अंदर कर दें, यूथ को उसके अंदर इन्वॉल्व कर दें, तो एक बहुत बड़ा टैलेंट जिसको हम इस वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और उसके साथ मेरा ये वाला पैगाम भी कि दरख्त ज़रूर लगाएँ मगर फलदार, ताकि वो लोग जो फल खरीदने की सकत नहीं रखते ये वाले फल उनको आसानी से दस्तयाब हों। थैंक यू वेरी मच।